हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल धीरज जी के एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम अफ्रीका महाद्वीप के एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने वाले हैं जिसे अफ्रीका का दिल भी कहा जाता है। अपने देश भारत की तरह यहाँ भी गाय की पूजा की जाती है। एक ऐसा कंट्री जिसने पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा तरक्की की है बाकी अमेरिकन कंट्री से। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ के सरकार और जनता मिलकर महीने के अंतिम शनिवार को पौधे लगाते हैं। यह एक लैंडलॉक देश है। इस देश के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देश में से एक रवांडा के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में दबा लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ रवांडा है। इसके बारे में कहा जाता है यह अफ्रीका का सबसे सेफ कंट्री है। रवांडा की कुल जनसंख्या 1,30,00,000 है और यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में 76वें नंबर पर आता है। यह देश 24,960 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश में 20% लोग शहर में रहते हैं और 80% लोग गांव में रहते हैं। रवांडा एक यंग कंट्री है, यहाँ की औसतन उम्र 20 वर्ष है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, बाकी अफ्रीकन देश में महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन रवांडा में ऐसा नहीं है। यहाँ के महिलाओं का बोलबाला है। यहाँ के 67% महिला सांसद है और ये आंकड़े दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ की इंटरनेट बहुत ही पावरफुल है। अफ्रीकी देश में सबसे ज़्यादा स्पीड इंटरनेट का रवांडा में ही चलता है। आपको जानकर हैरानी होगा, हमारे देश भारत की तरह रवांडा में भी गाय की पूजा होती है और यहाँ गाय को उपहार में दिया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर उपहार में दिया जाता है और इसे गर्व और सम्मान माना जाता है। इस देश की सीमा 4 देशों से लगती है, युगांडा, कांगो, बरूनी और तंजानिया। रवांडा एक ऐसा देश है जो लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी इस देश में प्राकृतिक सुंदरता भरी पड़ी है। यहाँ आपको घास के मैदान के साथ साथ ऊंची ऊंची पहाड़ों इस देश की सुंदरता की ओर बिखेरती है। यहाँ जंगलों में कई सारे नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं जो पर्यटकों के लिए आकर्षक मुख्य केंद्र है। तो कभी मौका मिले तो आइएगा जरूर इसे देखने। यह देश कृषि का बहुत ही बड़ा केंद्र है क्योंकि खेती बाड़ी यहाँ के लोगों का मुख्य साधन है जीवन जीने का। यहाँ के 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे छोटा देश है, लेकिन इस देश से दुनिया को काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर 525 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नज़र आ जाएंगे। यहाँ की कॉलिंग कोड है +250। यहाँ के लोग राइट साइड में गाड़ी चलाते हैं। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में बसे रवांडा एक ऐसा देश है जहाँ पर साफ सफाई को लेकर कड़े नियम हैं। यहाँ पर सड़कों पर कुछ फेंक कर यूं ही भाग नहीं सकते, ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। यहाँ प्लास्टिक बैग पर बैन लगा हुआ है। रवांडा की राजधानी किगली है जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पर चलने वाली करेंसी को फेंक कहा जाता है। हमारे देश भारत का 1 रुपया 13 रवांडा फेंक होता है। इस देश में भारतीय रुपया काफ़ी मजबूत है, तो दोस्तों इसमें आराम से आप घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकर बहुत ही दुख होगा और इस देश के लोग भी इस काली दिन को याद नहीं करना चाहेगा जब 8,00,000 लोगों को आपसी झगड़ा के कारण मौत की नींद सोना पड़ा। यहाँ के महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती शोषण किया गया, पर अब हालात बदल चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।